पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गजरौला में काकाठेर में स्थित संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन की गुंडागर्दी सामने आई है। कॉलेज चेयरमैन पर BAMS के छात्र छात्राओं ने दबाव बनाकर अवैध रूप से उगाही करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि हम पैसे देने से मना करते हैं तो कॉलेज चेयरमैन एडमिशन कैंसिल करने पर और परीक्षा के दौरान प्रवेश पत्र न देने की धमकी देते हैं। गजरौला के काकाठेर स्थित संजीवनी मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब कॉलेज में BAMS के छात्र छात्राओं ने कॉलेज चेयरमैन दिनेश कुमार पर गुंडागर्दी कर अवैध रूप से उगाही करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि कॉलेज चेयरमैन छात्र छात्राओं पर फीस के नाम पर अवैध उगाही करने के लिए दबाव बना रहा है। जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमारे एडमिशन कैंसिल करने और परीक्षा के दौरान प्रवेश पत्र न देने की धमकी देते हैं। जब हम इस संबंध में जनपद के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि जनपद तो क्या, सरकार का कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सभी अधिकारियों और प्रदेश के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं। छात्र छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा फॉर्म की निर्धारित फीस 3900 रुपए है लेकिन बच्चों से 25,000 तक वसूले जा रहे हैं। बच्चों का आरोप तो यहाँ तक है कि जिन बच्चों ने फीस का एग्रीमेंट किया था उनके एग्रीमेंट तक फाड़ दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि क्लासें शुरू होने के समय कॉलेज में पढ़ने के लिए हर रोज आया करते थे, तब तो उनकी उपस्थिति के लिए एक टेम्परेरी रजिस्टर रख लिया था जिस पर अब कॉलेज प्रबंधन उपस्थिति को अनुपस्थितियों में पेश कर रहा है और अपना पल्ला झाड़ रहा है। बता दें कि ऐसे में छात्र छात्राओं की परीक्षाएं सिर पर हैं। आने वाले 19 जनवरी को BAMS की परीक्षाएं होंगी जिस पर छात्र छात्राओं को ये डर सताया जा रहा है कि उनकी परीक्षा एडमिट कार्ड के बिना कैसे होगी। वहीं कुछ छात्र छात्राओं ने जानकारी भी दी है कि काउंसलिंग के समय पर सरकारी DD 50,000 का बनवाया था जिसे एडमिशन के समय पर वो DD स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद साफ साफ लिख दिया गया था कि वो फीस कॉलेज को खाते के जरिए भेज दी गई है और छात्र छात्राओं के अभिभावकों को कोर्स की फीस 1,80,000 बताई थी। वहीं कॉलेज प्रबंधन 1,80,000 के स्थान पर 2,00,000 से 5,00,000 तक अवैध वसूली कर रहे हैं। इस दौरान शाकिब, कासिम अली, नवाब, शिवम, कादिर, तनवीर, अमन, पूजा सिसोदिया, अलीशा, शुभम पांडे सहित अधिक संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जब इस संबंध में कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश कुमार से बात करना चाहिए तो उनका नंबर बंद मिला। अभी मना कर रहे हैं। हरिंदर सर थे वो यहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने बच्चों से पैसे लिए हैं, किसी से मेरे 50 लिए हैं और बहुत 50 मेरे हैं, 1,50,000 इसका है। डायरेक्टर थे वो यहाँ के, उन्होंने हमसे पैसे लिए और अभी कहेंगे वो डायरेक्ट नहीं है। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं कि पैसे नहीं दिए? जो हमारे यहाँ के सुनील सर और उत्सव सर जो यहाँ डिपार्टमेंट है वो सब मना करते हैं कि हरिंदर यहाँ कोई नहीं है और यहाँ के डिपार्टमेंट थे वो। अब वो चले गए यहाँ से तो पैसे लेके हमारे डायरेक्टर है वो यहाँ के। हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताई, हमने बोला इसी हिसाब से हम एडमिशन ले सकते हैं तो इन्होंने बोला कि आप एडमिशन ले लो हमारे कॉलेज में। उन्होंने जितनी फीस बताई अब उस पर लिख के दिया इन्होंने सब बच्चों को, साइन किया, बोले हमसे नहीं बोला, अपने ही साइन को नहीं मानने हैं, हर साल में नहीं जाए, हमें लिख के बताया उसको भी नहीं मानना, अपने ही साइन को नहीं मानने की हमारे साइन नहीं। और उसका इन्होंने कमिटमेंट के हिसाब से इन्होंने काम भी नहीं किया, वहाँ पे लगा दिया 64%, मतलब मेरी अटेंडेंस बता दी जबकि मैं रेगुलर आई हूँ। आपका क्या कहना है इसमें? क्या मेरा ये कहना है कि जब रफ अटेंडेंस हुई है, जब प्रॉपर अटेंडेंस नहीं हुई है, कुछ भी हुआ नहीं है तो फिर किस बात का? क्या नाम है आपका? पूजा सिसोदिया। जो पूरे साल बच्चे आए हैं उनकी 50%, हम लोग पूरे साल आए हैं हमारी 57% है, जिसकी जो तय है फीस वो नहीं ले रहे हैं। हाँ, और जो फीस हम लोगों ने किसी को 180 बताई, किसी को 120 बताई है, लेकिन फीस हमसे ज्यादा ली जा रही है, 2-5 ली जा रही है। फीस में एग्जामिनेशन फीस हमारी 4,450 कितनी है? 4,450 लेकिन हमसे 25,000 फीस ली गई, 25,000 एग्जामिनेशन फीस ली है। और आज सुबह से हम लोगों को इन्होंने एडमिट कार्ड नहीं दिया, यहाँ पे सुबह से हम लोगों को खड़ा कर रखा है। एग्जाम 19 को आया, हम लोगों को सुबह हमारी काउंसलिंग।